देख रहे हैं माँ इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। नमस्कार, माँ इंडिया न्यूज के यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है। जहाँ राज्य सरकार ने मिशन बिगेन अगेन की जैसे ही शुरुआत होती है, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो इलाके हैं उनको शुरू कर दिया जाता है, ताकि जो लोगों की परेशानी थी तकरीबन तीन महीने के बाद ये इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। जहाँ पे मिशन बिगेन अगेन की शुरुआत होती है महाराष्ट्र में, और कुछ जो उद्योग धंधे हैं उनको शुरू किया जाता है, जैसे कि छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं वो 3 महीने से उनका व्यापार बंद था, और व्यापार बंद होने के नाते कहीं ना कहीं जो पैसे की कमी है वो मुंबई जैसे शहर में कम पड़ती हुई नज़र आने लगी, और जो व्यापारी है वो काफ़ी परेशान होने लगे। इसी को देखते हुए कुछ बिजनेसमैन, कुछ होटल व्यवसायी जो मुख्यमंत्री और शरद पवार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद राज्य सरकार एक निर्णय लेती है जिसमें होटल्स और लॉज और जैसे इत्यादि जो भी लॉज होटल वगैरह जो चालू कर दिया जाता है, जहां पर आज 8 तारीख से ऐसी जो होटल हैं उनको शुरू कर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो रेलवे है उसको भी शुरू कर दिया गया है, लोगों के आने जाने की जो सुविधा है उसको शुरू कर दी गई है, ताकि जो परेशानी है, जो मुंबई जैसे शहर में होने वाली जो तकलीफ़ें थी, पैसे की कमी थी, कहीं ना कहीं उसको दूर करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आने लगे। और जिस क्षेत्र में यहाँ पर जैसे हम बात करें मुंबई के बाहर भी कई ऐसे शहर है जहाँ पर कंटेनमेंट जोन के बाहर, जैसे पुणे है, नासिक है, जलगांव है, धुले हैं, इन जगहों पर होटलों को चालू कर दिया गया, गेस्ट हाउस को चालू कर दिया गया, और कुछ शर्तें हैं जिसको राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, 33% ही लोग उसमें रह पाएंगे, और कुछ गाइडलाइंस और दी गई है होटल में कि बिना मास्क और बिना सैनिटाइज के लोगों को एंट्री ना दिया जाए। जब लोग होटलों में प्रवेश करेंगे और जब चेकआउट होगा उसके बाद जो कमरा होगा उसको पूरा सैनिटाइज करना होगा, ताकि जो आने वाले दूसरे कस्टमर्स होंगे उनको ये असुविधा महसूस ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंबई की हालात है वो सुधरती हुई नज़र आ रही है, और मुंबई कर है कि अपने जो काम है, व्यापारी धंधा है, उस पर लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, महा इंडिया न्यूज़, मुंबई।